गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीं कक्षा के बच्चों को शुभोदय। बच्चों, आज हम आपकी नवीं कक्षा का पाठ कर रहे हैं। पाठ का नंबर है नौवां पाठ, नवीं कक्षा। समझ रहे हैं ना आप? तो देखो, नफे के चक्कर में आपका पाठ का नाम है नफे के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं कि नफा मीन्स लाभ होता है, नफा मीन्स लाभ होता है। चक्कर यानी नफे के लाभ के पीछे पीछे घूमना, क्या होता है? लाभ के पीछे घूमना होता है। तो यहाँ पर ये कैसे ही व्यक्ति है जो लाभ के चक्कर में घूम रहे हैं, वहां जाते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, तो आप देखते हैं, आप मैं आपको नफे के चक्कर में पाठ कराऊंगी, इसीलिए आपको बहुत ये पाठ का संदेश आपको क्या है, नफे के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? नफे के चक्कर में आपको कभी भागना नहीं चाहिए। तो अगर भागेंगे तो क्या होगा, इसलिए जो व्यक्ति का हाल होगा वैसे ही आपका भी हाल हो सकता है। बच्चों, तो देखो, आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। देखो, दूसरों से धोखे से मारा हुआ माल नहीं हुआ रह सकता आपके साथ, किसी के चोरी किया हुआ माल नहीं रह सकता आपके पास। जो अपनी मेहनत से, जो अपनी खुद की मेहनत से कमाता है वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है। बच्चों, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि वही उसके पास लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। बिना मेहनत किए मेहनत ही नहीं कर रहा है वो, तो उसको कैसे वस्तु मिलेगी, वो तो लालच हो गई ना। मेहनत करके वस्तु की आकांक्षा करना अच्छी बात है, बगैर मेहनत किए उसकी आकांक्षा करना है तो बहुत बुरी बात है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में तो लगता है, इस कवि कहानी में नफे के चक्कर में बड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित हुआ है। बच्चों, मनोवर्णित यहाँ पर हुआ है। तो देखो, आप देख सकते हैं कि एक, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद मैं आपको विवरण करते हुए जाती हूँ। बच्चों, तो देखो, एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा, वहा क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। देखो, अभी खाया भी नहीं है उन्होंने, अभी नारियल पानी पिया भी नहीं है उसने का, नारियल भी नहीं खाया हुआ है, तो उसके मुंह में पानी आने लगा। देखो, ये दिन बाबू भाई को, बाबू भाई मीन्स वो एक व्यक्ति है, ये नफे के चक्कर में पाट के वो ही हीरो है। बच्चों, बाबू भाई क्या है, बाबू भाई ही पाट के हीरो है वो। तो देखो, बाबू भाई को नारियल खाने का, नारियल मीन्स ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಜಮಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋ ಮನ್ ಹುವಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸೋಚ್ತೆ ಹಿ ಬಾಬೂ ಭಾಯಿಗೆ, ಬಾಬೂ ಭಾಯಿನೆ ಅಪ್ನೆ ಹೋಟಲ್ ಕೋ ಚಟ್ಕಾರಾ, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೋಗಾ ನಾರಿಯಲ್ ಐಸಾ ಅಪ್ನೆ ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ ಭೀ ಸ್ತುತಿಗಳೇನು ಮರಸ್ಕಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಳ್ನೀರಿನ ಒಂದು ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ. ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಕ್ಯಾ ಮೀಠಾ ಮೀಠಾ ಸಾ ಸ್ವಾದ ಹೋಗಾ, ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ವಾವ್ ಕ್ಯಾ ಮೀಠಾ ಮೀಠಾ ಸ್ವಾದ ಹೈ, अगर पीना है तो बहुत अच्छे से पीना है, ऐसा समझकर क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, समस्या मीन्स मुश्किल थी, कि घर में तो एक भी नारियल नहीं था। घर में अगर पीना है तो एक भी नारियल नहीं था, नारियल तो सब कुछ खत्म हो चुके थे। ओ, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना है बाजार ही जाना पड़ेगा, और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े। घर में तो नारियल नहीं है पीने के लिए, तो क्या सोचा, बाहर जाकर पी कर आते हैं, मार्केट में। तो उन्होंने अपने चप्पल पहने और हाथ में छड़ी में लकड़ी लेकर निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे, आपने देखा है बाजार कैसा होता है, वो अपने अपने धंधे में अपने अपने काम में व्यस्त हुए रहते हैं लोग। थोड़ी देर तक अगर आप जो वो कुछ पूछेंगे तो वे नहीं जवाब देते, क्योंकि वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए तो देखते पूछते के नारियल वाले के पास पहुंच गए। जिनको नारियल खाना था, बाजार तो नहीं करना था, उन्होंने नारियल वाले के पास चले गए। ये नारियल वाले नारियल
नारियल वाले के पास गए और नारियल वाले से पूछने लगे, ए भाई कितने में एक नारियल दोगे आपको? बाबू भाई ने पूछा, नारियल वाले ने कहा, साहब 2 रुपये में काका। काका कितने रुपये में? 2 रुपये में आपको एक नारियल मिल जाएगा। बाबू भाई की आंखें फैला कर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। देखो नारियल वाले ने कितने रुपये पूछा, पहले बोला 2 रुपये, बोला हाँ कर दिया। कौन? बाबू भाई ने हाँ करके बोला कि अरे भाई 1 रुपये में दे दो, ये तो बहुत छोटा है। ऐसा उससे पूछताछ करने लगे। कौन? बाबू भाई किससे? नारियल वाले से। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। देखो कितना अच्छा है, लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, सिर्फ 2 रुपये, मैं आपको बहुत कम दाम में दे रहा हूँ, ले लो, ऐसा कहते हैं और छोड़ दो। ठीक है, बाबू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? देखो उससे नारियल वाले से पूछ रहे हैं कि मुझे 1 रुपये में नारियल खरीदना है, नारियल खरीदना है, कहाँ मिलेगा बताओ आप लोग, कोई बताएगा क्या? ये बता रहा है। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाएगा। देखो भाई वहाँ पर जो मंडी है दूर है यहाँ से, वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। किसने कहा? नारियल वाले ने कहा। किससे कहा? बाबू भाई से कहा। तो देखो बाबू भाई उसी तरफ चल पड़े, चलने लगे। कौन? बाबू भाई। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, मंडी में क्या था? कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। क्या हो रही थी? ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। किसकी? मंडी वालों की, क्योंकि वे बाजार था, मार्केट था, वहां पर लोग सब तरह की चीजें बेच रहे थे, वे अपने अपने ही आवाज में पुकार रहे थे। नारियल वालों को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? देखो पहले नारियल वाले ने कितने कहा? 2 रुपये कहा। बाबू भाई ने कितने में पूछा? 1 रुपये में पूछा। तो अब यहाँ पर देखो पूछने लगे बाबू भाई नारियल वाले के पास आकर पूछने लगे कि सिर्फ 1 रुपया काका? नारियल वाले ने जवाब दिया, देखो उसने एड्रेस बताया होगा, हाँ यहाँ पे आ गए बाबू भाई। लेकिन आने के बाद जब नारियल वाला ने 1 रुपया पूछ रहा है तो बाबू भाई कितने में पूछ रहे हैं? देखो जो चाहो ले लो, जल्दी ले लो, 1 रुपया जो चाहो ले लो आप लोग, ऐसा कहता है। बाबू भाई ने कहा, यहाँ क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? मैं उतनी दूर से चलकर आया हूँ तुम्हारे पास, इसीलिए मेरे चलने की यानी कि चलने की कीमत है 1 रुपया, तुम मुझे 50 पैसे में दो, 8 में दे दो, कहते हैं। देखो बाबू भाई ने कहा, यहाँ क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे माफी है, इसमें इस नारियल को लेता हूँ और तुम यहाँ लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल उठा लिया और नारियल वाले के हाथ में उन्होंने 50 पैसे रख दिया। देखो 2 रुपया पूछने पर इन्होंने 1 रुपया कहा, अब 1 रुपया पूछ रहा है तो इसमें 50 पैसे, 50 पैसा पूछ रहे हैं। 50 पैसे मीन्स 50 पैसा। तो यहाँ पर नारियल ले लिया और 50 पैसा उसको थमाने के लिए गए नारियल वाले को बाबू भाई ने। नारियल वाले ने झट से बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। देखो नारियल को फटकर कैसे छीन लिया, नहीं भाई नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपया है उसका, 50 पैसे मैं कैसे दूंगा, नहीं आएगा, चलो। नारियल छीन लिया, बोला माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, 15 बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे नहीं मिल जाए। देखो जब वो नारियल वाला बाबू भाई से नारियल छीन लिया तो बाबू भाई निराश हो गए। जब नारियल वाले को उनकी निराशा दिखने लगी, नारियल वाले को बाबू भाई की निराशा दिखी, तो नारियल वाले ने कहा कि अरे भाई क्यों निराश होते हो, जब यहीं पर थोड़ी देर पर क्या है, बगीचा है नारियल का, वहां आपको क्या होगा, आपको मुफ्त में दे देंगे, तो जाओ, कहने लगा नारियल वाला। बाबू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे ही हैं, वैसे भी मेरी टांगे में अभी भी दम है। देखो 1-2 रुपये के बदले में आपको 1 रुपये भी नारियल मिल रहा तो बाबू भाई को लेना चाहिए था ना, लेकिन ये 50 पैसे बचाने में लगे हैं, अपने पाँव को सबक सिखा।
उठाया और चलने लगे छड़ी टेक टेक कर कि कहीं भी मुफ्त ना मिल जाए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। चले उम्र हो बहुत सा वो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए इसीलिए उन्हें फाल जल्दी जल्दी चलना नहीं आता। तो उन्होंने चलने लगे, अपने पैरों को घसीटते लगे, घसीटते घसीटते चलने लगे। आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगे अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नारियल वाला बैठा था। देखो चलने लगे, सागर यानी समंदर का किनारा था, समंदर के किनारे में वहां पर एक नारियल बेचने वाला बैठा हुआ था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे, पूरे बिक गए थे, सिर्फ 2-4 नारियल बचे थे। अरे भाई एक नारियल कितने में मिलेगा, पूछ रहा है। बाबू भाई पहुंच गए उसके पास, नारियल वाले के पास। पहुंचने के बाद पूछा, अरे भाई नारियल कितने में मिलेगा? देखो बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो माफी अच्छे काफी अच्छे थे, दिखते थे बहुत अच्छे हैं नारियल, महाराज तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसे दे लेता हूँ, ऐसा कहते रहे। काका यहाँ कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा, नारियल वाले ने कहा। काका बहुत अच्छे नारियल है, देखो देखो कितने अच्छे नारियल है, ये तो सिर्फ 50 पैसे में मिल रहे हैं आपको, ले लो। देखो 2 रुपये से 1 रुपये पर आए, 1 रुपये से आप 50 पैसे के लिए उन्हें समंदर तक चलते हुए आए, ये कोई बात हुई नहीं। पचास पैसे बाबू भाई हक्के पिक्के हो गए, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो कि 50 पैसे। देखो मैं इतनी दूर से आया हूँ और पैदल चलकर आया हूँ, चलते भैया आया हूँ, तो क्या हुआ यहाँ पर? इनकी मेहनत बेकार हो गई, इसीलिए क्या करना है? देखो मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। देखो ऐसी बात हुई क्या? जब 2 रुपए पूछे तो 1 रुपए, 1 रुपए पूछे तो 50 पैसा, 50 रुपए अब 54 में पूछ रहे हैं ये। देखो 50 पैसे दूंगा, यहाँ लो रख लो, ऐसा कहते हुए बाबू भाई ने झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे, पैसा रखा और खम कर नारियल उठाने ही वाले थे कि नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वैदा नहीं, सस्ते में चाहिए नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। रख दो रख दो, मैं 50 पैसे में पूछ रहा हूँ और 25 पैसे में पूछ रहे हैं, नहीं मिलेगा, रख दो नारियल जाओ, अगर आपको ऐसे ही मुफ्त में लेना है तो नारियल के बाग के लिए चले जाओ, वहाँ आपको ढेर सारे जैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखो इतनी दूर आया हूँ आप बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? सच बात को यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से भी उनमें स्फूर्ति आ गई। 25 पैसे बचाने के लिए 2 रुपए से 1 रुपए, 1 रुपए से 50 पैसा, 50 रुपए से 25 पैसे तक आ गए। अगर आप मुफ्त में दे रहे हैं तो पूरे के पूरे पैसे बच रहे हैं बाबू भाई के लिए। बच्चों कभी भी ऐसा मत करना जैसे कि बाबू भाई ने कहा किया है, 1-2-3 रुपये कम करके आप ले ही लीजिए। इतना लंबा थोड़ा सफर करने के बाद भी क्या पता कि बाबू भाई को नारियल मिला या नहीं, देखेंगे। देखो बाबू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए, नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां के मालिक को देखकर उसने पूछा, यहाँ नारियल कितने में बेचोगे? देखो पैसे तो दे नहीं रहे हैं लेने के लिए, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि कितने में दोगे नारियल? तो देखो पूछते हैं, मालिक ने जवाब दिया, जो पसंद हो ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, या कहा 4 आने का एक। अब कहाँ तक आ गया दाम, 25 पैसे ना रखाने के बंद नहीं तो। हे भगवान 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ, नहीं मैं 25 पैसे नहीं दूंगा, अभी उतनी दूर से चलकर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मुझे मुफ्त में दे दो, ऐसा कहता है काका। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ो, चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। देखो माली कहता है, माली मीन्स बाग की रखवाली करने वाला, माली नहीं माली, मालकिन नहीं माली, समझ में आ रहा है ना, बागों की रखवाली करने वाला, तो जितने चाहे ले लो, मुफ्त में चाहिए, देखो पेड़ पर बहुत सारे हैं, आप चढ़ लो और ले लो, सच जितना चाहो ले लो। बाबू भाई तो खुशी से फूले ना समय, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, बहुत खुश हो गए बाबू भाई।
बाबू भाई बहुत खुश हो गए और चढ़ने लगे पेड़ पर। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरे तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है, खुश हो गए नारियल लेकर। अरे बाप रे, इतने सारे नारियल, ये पैसा भी नहीं कहा उन्होंने, नहीं लिया, जितने चाहे पी सकता हूँ और जितने चाहे मैं घर ले जा सकता हूँ, ऐसा समझ कर उन्होंने खुश हो गए। बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों के आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। छक पैर फिसल गया, बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। कोई ऐसा करता है, लालच में आकर इंसान ऐसा करता है। बच्चों देखो, एक हाथ से पेड़ पकड़कर दूसरे हाथ से नारियल तोड़ना था बाबू भाई को, लेकिन उतने सारे नारियल देखने के बाद उनका जी ललचा गया। ललचाने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों से नारियल पकड़ लिया और पैर फिसल गए। ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಆ ತೆಂಗಿನ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕಾಲೆಣಿತು ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ಗೊಂಚಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೇತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ದೇಖೋ, ದೋನೋ ಪೈರ್ ಫಿಸಲ್ಗೆ ಔರ್ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಲಟಕ್ನೆ ಲಗ್ಗೆ ಝೂಲ್ನೆ ತೆಗೆ ರಹೆ. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಚಿಲ್ಲಾಯೆ ಚಿಲ್ಲಾನೆ ಲಗೆ, ಅರೆ ಭಾಯಿ ಮದದ್ ಕರೋ. ಉನ್ಹೋನೆ ನೀಚೆ ಖಡೆ ಮಾಲಿ ಸೆ ವಿನ್ತಿ ಕೀ, ನೀಚೆ ಜೋ ಮಾಲಿ ಖಡಾ ಹುವಾ ಥಾ, अरे मालिक भाई मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, ऐसा कहने लगे। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने तो सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला। मैंने कहा था कि आपसे अगर आप गिरोगे तो मैं मदद करूंगा आपकी, नहीं ये सब बात नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ आपको नारियल तोड़ने के लिए कहा था, बस मैंने ही आपकी मदद करूंगा। तो माली चला गया, मदद करने के बजाय मैं चला गया, मदद ने सहायता। देखो, तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा, ऊंट मींस वनडे, ये वनडे पर जा रहा था, कोई आदमी ऊंट लेकर जा रहा था, उससे चिल्लाने लगे, अरे अरे बाबू भाई, जरा जरा से बोलने लगे, अरे ऊंट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ऊंट वाला जा रहा था, ऊंट वाले से भाई मेरी सहायता करो, मेरे पर दोबारा पेड़ पर लटका दो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा कहने लगे। तो देखो, ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर दो, वो मेरा क्या जाता है, एक छोटी सी सहायता करने में क्या है, चलो कर देते हैं, ऊंट वाले ने ऐसा सोचा। ऊंट वाले ने सोचा, ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैर को पकड़ लिया। ऊंट पर जा रहा था, ऊंट को लेकर आया, ऊंट पर खड़ा रहा, कौन हो ऊंट वाला, ऊंट पर खड़ा होकर बाबू भाई के पैरों को पकड़ने लगा, और देखो पैरों को पकड़ने लगा, हरे हरे। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए, पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और ऊंची ऊंट अपनी जगह से हट गई। जब ऊंट वाले ने बाबू भाई के पैर को दोबारा पेड़ पर रखने के लिए पैर पकड़ा, तो उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए बगीचे में, पत्तों को खाने के लालच में ऊंट ने अपनी गर्दन झुका ली और वहां से चल दिया। समझ में आ रहा है ना, तो ऊंट वाला कहां लटकने लगा, बाबू भाई के पैरों से पकड़, पैर को पकड़ कर लटकने लगा। बच्चों आप समझ रहे हैं ना, देखो बस वहां आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को वो कस कर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया, दोनों लटकने लगे, बाबू भाई नारियल के गुंचे को पकड़े हैं और ये ऊंट वाला बाबू भाई के पैरों को पकड़ के लटक रहा है। देखो उसी समय घुड़सवार वाला कुदरे तक बरताने आते समय, घुड़सवार को देखकर बाबू भाई ने दुहाई दी, अरे मेरे भाई मुझे पेड़ से वापस पहुंचा दो, मुझे नीचे उतारो, मेरे मदद करो, हम्मा एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। वहां सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, समझ गए एक सेकंड में की बात है, सहायता करते हैं। वो घोड़े पर घोड़े को लाया, घोड़े को खड़ा के घोड़े पर उसने भी चढ़ लिया। घास का चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैर से लटकते हुए।
बाबू भाई की मदद करने के लिए ऊंट वाले की मदद करना चाहिए। जब ऊंट वाले के पैर पेड़ से टकराएंगे यानी पेड़ को जोड़ेंगे तो बाबू भाई बचेंगे। इसीलिए घोड़े वाले ने क्या किया, घोड़े के पीठ पर खड़े होकर ऊंट वाले की सहायता लेने लगे, ऊंट वाले की सहायता करने लगे। तब घोड़ा आस पास हरी हरी घास देखकर वहां से चला गया अपने मालिक को छोड़कर। तो घोड़े वाला भी लटकने लगा, देखो काका काका अब ऊंट वाले की बारी है, मैं आपको 2 पैसे रुपया दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। देखो काका काका कह रहा है अब ऊंट वाले की बारी है, मैं आपको 2 रुपये दूंगा। ऊंट वाला कहता है मैं आपको 2 रुपये दूंगा काका, नारियल मत छोड़ना, अगर आप नारियल छोड़ दो तो हम तीनों लुढ़क जाएंगे नीचे, ऐसा कहता है। चक्कर गया चक्र सौ और नारियल को छोड़ना नहीं, 100 और 200 बाप रे आप बाप 300 रुपये बाबू भाई का सिर चकरा गया। ऊंट वाले ने पैसे देने को कहा और घोड़े वाले ने भी पैसे देने को कहा बाबू भाई को नारियल ना छोड़ने के लिए। तो बाबू भाई का सिर चकरा गया, बाप रे मैं तो 2 रुपये बचाने के निकला था, यहाँ तो 300 रुपये मिल रहे हैं मुझे, चकराने लगे लालच में आकर। इतना सारा पैसा खुशी से उन्होंने अपने दोनों मांगों को फैला दिया। देखो इंसान कभी कभी खुशी में कितनी बड़ी गलती कर देता है। 300 रुपये बाप रे कहने लगे, इतना बड़ा आपने हाथ फैलाकर तो नारियल को पकड़े हुए थे, हाथ छोड़ दिया। खुशी से उन्होंने अपने दोनों मांगों को फैलाया और नारियल हाथ से छूटा, धड़ाधम से तीनों जमीन पर गिरे। बाबू भाई अपने अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ। लालच कितनी बड़ी चीज होती है, 2 रुपये बचाने के लिए इन्होंने कितना बड़ा रिस्क मोल ले लिया। आप 300 रुपये के लिए अपनी बाहें फैला दिया और तीनों के तीनों नीचे गिर गए। नीचे गिरकर संभाल रहे थे कि इतना बड़ा नारियल जो पीने के लिए आए थे वे इतना बड़ा नारियल बाबू भाई के सिर पर पड़ गया। लिखा है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसीलिए बच्चों लालच का फल कभी कड़वा होता है, कभी मीठा नहीं होता, सब्र का फल मीठा होता है। अगर लालच करेंगे तो ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है बच्चों। तो आपके समझ में आया होगा कि नारियल यानी नफे के चक्कर में बाबू भाई ने कहाँ कहाँ भटका, क्या क्या किया, किस किस से मिले और किस किस से बेइज्जती करा ली अपनी, और अंत में उनका हाल क्या हुआ। सर पर नारियल पड़ गया, बहुत वे क्या हुए थे, बूढ़े व्यक्ति थे। जब एक बूढ़े व्यक्ति पर नारियल पड़ता है तो उसकी हालत क्या होती है, आप समझ रहे हैं ना बच्चों? ऐसे ही होता है, इसीलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर लालच करेंगे तो इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है बच्चों। इसीलिए लालच बुरी बला होती है। क्या होती है? लालच बुरी बला होती है। जो हम कर सकते हैं, जो हमने प्राप्त किया वो अपने पास रहेगा, जो लालच से बगैर मेहनत के जो हमने प्राप्त किया वो हमारे पास नहीं रह सकता। तो आपको पाठ समझ में आया होगा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजती हूँ बच्चों। धन्यवाद बच्चों।